हाल ही में जहां लोकसभा और राज्यसभा में दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा सुर्खियों में थी, वहीं दूसरी ओर इसी बहस में एक जरूरी मुद्दे को हमने नजरअंदाज किया जो हमारी निजता के आधार यानी प्राइवेसी पर सवाल खड़े करता है। दिल्ली हिंसा पर चर्चा के दौरान लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों को पकड़ने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुलिस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए दोषियों की पहचान कर रही है और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी के डाटा का इस्तेमाल होगा। फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें बनाई हैं, 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है मान्यवर। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल। आखिर ये फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक क्या है जिसकी अमित शाह बात कर रहे हैं? चेहरे की पहचान बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर की एक श्रेणी है जो किसी व्यक्ति के चेहरे की विशेषताओं को गणितीय रूप से मैप करती है और डेटा को फेसप्रिंट के रूप में संग्रहित करती है। सॉफ्टवेयर किसी व्यक्ति के पहचान को सत्यापित करने के लिए एक लाइव कैप्चर या डिजिटल इमेज को संग्रहित फेसप्रिंट की तुलना करने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए एप्पल के आईफोन X में फेस आईडी तकनीक शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को फोन के कैमरे द्वारा अंकित फेसप्रिंट के साथ अपने फोन को अनलॉक करने की सुविधा देता है। जानिए ये काम कैसे करता है। कैमरा किसी व्यक्ति के चेहरे की छवियों को कैप्चर करता है और विशिष्ट चेहरों के स्थलों की जांच करता है, जैसे कि आंखों के बीच की दूरी, नाक की चौड़ाई और गाल की आकृति। मान्यता प्रणाली तब इन निष्कर्षों की तुलना अपने डेटाबेस से करती है। डेटाबेस में जितनी अधिक छवियां होंगी उतनी ही अधिक प्रणाली चेहरे की पहचान करने में सक्षम होगी। सुनने में ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी लग रही हो, पर इसे आने वाले खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2018 में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने अमेज़न के फेशियल रिकॉग्निशन को टेस्ट किया, जिसमें 28 अमरीकी सांसदों के चेहरे अपराधियों से मिल गए, जबकि उन्होंने कभी अपराध किया ही नहीं था। अगर ऐसा भारत में किसी आम नागरिक के साथ होगा तो वो अपनी पूरी जिंदगी अपने आप को निर्दोष साबित करने में ही लगा देगा। फेशियल रिकॉग्निशन एक फूल प्रूफ सिस्टम नहीं है, इसमें किसी को पहचानने में गलती हो सकती है। यूरोपियन यूनियन भी 5 साल तक सार्वजनिक क्षेत्रों में चेहरे की पहचान के उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। दुनिया में सबसे अधिक तकनीक के अनुकूल और तकनीक प्रेमी शहरों में से एक सैन फ्रांसिस्को ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को बैन कर दिया है। सैन फ्रांसिस्को के प्रवेशक हरून पेस्किन ने कहा कि हम सभी अच्छी पुलिसिंग का समर्थन करते हैं, लेकिन हम में से कोई भी पुलिस शासित राज्य में नहीं रहना चाहता। इसी टेक्निक को लेकर डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में कुछ सवाल भी खड़े किए थे। We understand that the police need facial recognition to do their job for national security. But are you using technology to identify people in a crowd? Did you admit yesterday on the floor of the house that people's personal data is being used to identify them? इसके जवाब भी अमित शाह ने दिए, लेकिन वो कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए इनका। मान्यवर, निजता के भंग का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं पहले रिकॉर्ड पर एक स्पष्ट कर दूं, इसके लिए आधार डेटा का हमने उपयोग नहीं किया है। कल गलतफहमी से कोई मीडिया ने चला दिया, मैंने सदन में यही कहा था कि ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी कार्ड दोनों के डेटा जो है वो हमने फेस आइडेंटिफिकेशन के लिए उपयोग किए। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ इस सदन को ये भी कहना चाहता हूं कि किसी की जान चली गई, कोई अपाहिज हो गया, किसी का घर जल गया, और क्या निजीता की बात कर रहे हो। पुलिस को अधिकार होना चाहिए मान्यवर कि जिसने दंगा किया है इसको वैज्ञानिक तरीके से लेकर कोर्ट के सामने खड़ा करे और कठोर से कठोर सजा देने की। और मान्यवर, इसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की कोई गाइडलाइन का भंग नहीं किया। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हवाई अड्डों, ट्रेन स्टेशनों और सीमा पर किया जाता है। इस तकनीक से वांछित अपराधियों को पकड़ने और आतंकवादियों हमले को रोकने में भी मदद करता है। एप्पल ने पहली बार अपने आईफोन X को अनलॉक करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया और आईफोन XS के साथ ये जारी रहा। फेसबुक पर भी आप इसका इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं और अन्य सुरक्षा के मामलों में भी इसका इस्तेमाल देखा जा सकता है।
DW के एक आर्टिकल के मुताबिक भारत में इसका इस्तेमाल कहां कहां हो चुका है, आइए ये जानते हैं। विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस प्रदर्शनकारियों की पहचान करने की तकनीक इस्तेमाल कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता इसके इस्तेमाल के नियमों के को लेकर चिंतित है। फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी हो चुका है। उस वक्त पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला दिया था। स्कैनिंग से मिले चेहरों का मिलान दिल्ली पुलिस ने अलग अलग विरोध प्रदर्शनों के दौरान बनाए गए वीडियो में दर्ज हुए चेहरों से किया था। साल 2018 में ही दिल्ली पुलिस ने ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को गुमशुदा बच्चों की तलाश और उनकी पहचान के लिए अधिकृत किया था। अगर इसके कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसके सबसे बड़ी समस्या एक नागरिक गोपनीयता पर है, जो इसके चलते खत्म होने की संभावना है, क्योंकि जब भी आप किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश करते हैं तो इनमें से कई प्रणालियां आपकी सहमति के बिना चेहरे का डाटा एकत्र करना शुरू कर सकती हैं। ऐसी भी चिंताएं हैं कि FBI जैसी संस्थाएं चेहरे के डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं और व्यक्तिगत जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। हम चाहते हैं कि सरकार नागरिक की निजी जानकारियों को सुरक्षित रखने पर ध्यान दे, फेशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर एक कानून लेकर आए जिससे इस टेक्निक का सही इस्तेमाल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।